नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत को एनएसजी सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका की नई कवायद। एनएसजी में नए देशों की सदस्यता को लेकर नया मसौदा किया गया तैयार। मसौदे में भारत को एनएसजी में शामिल करने की बात कही तो वही पाकिस्तान को बाहर रखने की वकालत की गई। अमेरिका ने लश्कर की छात्र शाखा अल मुहम्मदिया स्टूडेंट्स को आतंकी संगठन किया घोषित। छात्र शाखा के दो वरिष्ठ नेता मुहम्मद सरवर और शाहिद महमूद पर लगाया प्रतिबंध। लश्कर को अमेरिका ने 2001 में किया था आतंकी संगठन घोषित। इसराइल ने पूर्वी यरूशलम में बहुमंजिला इमारत को दी मंजूरी, लेकिन अमेरिका से बढ़ते दबाव के चलते यरूशलम में इसराइलियों के लिए नए आवास बनाने की योजना को टाला। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इजरायली बस्ती के खिलाफ प्रस्ताव पर अमेरिका ने मतदान में नहीं लिया था हिस्सा। चीन ने तिब्बत की नदियों से शुरू किया पेयजल का बड़ा कारोबार। नदियों से बोतलों में पानी भरकर चार्टर ट्रेन चीन के झेजियांग प्रांत के लिए हुई रवाना। इस नए कारोबार से भारत को मिलने वाले पानी की मात्रा में हो सकती है कमी। सीरिया में संघर्ष विराम पर रूस और तुर्की ने जताई सहमति। विद्रोहियों ने किसी भी आधिकारिक समझौते से किया इनकार। संघर्ष विराम से मिल सकती है समूचे देश के नागरिकों को निकासी की इजाजत। मध्य फिलीपींस में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बम विस्फोट, 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।